हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी, और आज हम देखेंगे कि आपके सवालों का जवाब यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से क्या आने वाला है। तो आज आपको यस और नो क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड कर सकते हैं, रिलेटेड टू योर लव लाइफ, योर करियर, योर पर्सनल लाइफ, एनी अदर इशूज़। ओके, आप किसी चीज़ से भी रिलेटेड क्वेश्चन अपने लाइफ का कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से उसका आंसर यस में आ रहा है, नो में आ रहा है, या मे बी में आ रहा है, या फिर बेसिकली क्या आंसर आ रहा है, क्या आपको उसका आंसर मिल रहा है। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, तो आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ओके, ये है ऑप्शन नंबर 1, ओके, ये है ऑप्शन नंबर 2, ये है ऑप्शन नंबर 3, और ये है ऑप्शन नंबर 4। अगर आप लोगों को चूज़ करने में दिक्कत आए तो पाइल 1 के लिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ लैपिस लजूली। ओके, पाइल 2 के लिए हमारे पास है यहाँ पर क्लियर क्वार्ट्ज़, पाइल 3 के लिए हमारे पास है यहाँ पर येलो क्वार्ट्ज़, ओके, एंड पाइल 4 के लिए हमारे पास है यहाँ पर एमेथिस्ट। सो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, लैपिस लजूली, क्लियर क्वार्ट्ज, येलो क्वार्ट्ज एंड एमेथिस्ट। सो आप चारों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक क्वेश्चन के लिए एक ही ऑप्शन चूज़ करें ताकि आपको क्लियरली आंसर मिल पाए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने लैपिस लजूली को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या मिल रहा है। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ स्टोन्स, सो द आंसर इज़ येस, बट डीले से होगा। ठीक है, पेशेंस रखने से उस क्वेश्चन का आंसर येस होगा। और अगर आप किसी चीज़ का टाइमिंग पूछ रहे हैं या फिर पूछ रहे हैं किसी भी चीज़ के रिजल्ट का, तो उसका आंसर येस है, बट अगेन टाइम लगेगा, डीले होगा, पेशेंस रखना होगा। ओके, येस, तो आंसर है येस बेसिकली। ओके, लेकिन अगर आप ऐसा कोई नेगेटिव आंसर पूछ रहे हैं, ओके, लाइक कोई चीट कर रहा है या नहीं, या उसके लाइफ में कोई और है या नहीं, तो द आंसर इज़ नो। बट इन जनरल अगर आप करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, कोई टाइमिंग से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, कि हेल्थ ठीक होगा कि नहीं, फैमिली के सिचुएशंस ठीक होंगे कि नहीं, तो सारी चीज़ों में द आंसर इज़ येस, बट आपको पेशेंस रखना होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ओके, और डिले होगा उस चीज़ को होने में, लेकिन द आंसर इज़ येस। किसी चीज़ प्रोजेक्ट का भी अगर आप जानना चाह रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, करियर का है, कुछ भी सवाल है, द आंसर इज येस, बट विद डिले। टाइमिंग में मुझे यहाँ पर डिले नज़र आ रहा है। ओके, सो जनरल रीडिंग है, लेकिन हाँ, आंसर इज येस। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं कि जो भी आपने सवाल पूछे हैं उसका गाइडेंस आपको क्या मिल रहा है एंजल्स की तरफ से। हमारे पास से मेडिटेशन ब्रिंग्स आवर आंसर्स। तो देखिए यहाँ पर भी है 7 ऑफ स्टोन्स, तो यही बता रहे हैं कि अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, आंसर मिलने के बावजूद भी आपके मन में कोई घबराहट है या कुछ है, और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब चाहिए, तो आपको मेडिटेशन करने के लिए बताया जा रहा है। आपको अपनी हीलिंग में ध्यान देना चाहिए, नो मैटर आप अपने पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन कर रहे थे या लव लाइफ से या किसी और के लिए, जो भी चीज़ है, आपको अभी अपना जो टाइम है थोड़ा सा मेडिटेशन में, थोड़ा सा हीलिंग में, थोड़ा सा सेल्फ फोकस में ध्यान देना चाहिए, तब जाके आपको अपने आप डायरेक्शंस, अपने आप आंसर्स मिलने लगेंगे, जो भी आपकी क्वारीज है लाइफ से रिलेटेड, इस दुनिया से रिलेटेड। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल हुई है। अगर हेल्पफुल हुई है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने क्लियर क्वार्ट्ज को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। ओके, सो क्वेश्चन आपके माइंड में रहना चाहिए, हम देख लेते हैं कि आंसर उसका क्या है। द आंसर इज 3 ऑफ बोस, डेफिनेटली इट्स अ येस, इट्स अ बिग येस, एंड फुलफिलमेंट हो रही है आपकी किसी भी चीज़ में, कुछ विश ग्रांट किए जा रहे हैं आपको। सो अगर आपने कुछ विश से रिलेटेड, कुछ लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, या कोई भी चीज़ से रिलेटेड आपने पूछा है, तो उसका आंसर है येस। किसी चीज़ की फुलफिलमेंट हो रही है, किसी चीज़ एक बैलेंस में आ रही है, किसी चीज़ आपकी जो है अलाइन हो रही है। ओके, सो अगर आपने स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया है, या फिर आप स्पिरिचुअल फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसका भी आंसर है येस, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप हो सकते हैं इंट्यूटिव हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अलाइन हो रही है, एंड द आंसर इज येस, अ बिग येस। जो भी क्वेश्चन है आपका, अ बिग येस इन अ पॉजिटिव वे। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपको एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रहा है जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके रिलेटेड। ओके, तो कोई आपकी विश पूरी हो रही है, कोई आपका ड्रीम पूरा हो रहा है, या कोई आपकी ऐसी चाहत जो आप पूरी करना चाहते थे, तो वो भी फुलफिल हो रही है। ओके,
तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कंसीव अप करना चाहते हैं, कुछ तरह तरह के क्वेश्चन होंगे, बट द आंसर इज यस इफ़ यू बिलीव। ओके, अगर आप विश्वास रखेंगे तो वो चीज़ होगी। ओके, सर ऐसा अगर कोई क्वेश्चन है लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, तो आंसर है येस। देखिए यहाँ पर दो बार कुंडलिनी के इमेजेस आए हैं, लेट मी शो यू। ओके, यहाँ पर भी है, ठीक है, ये हीलिंग का मेडिकल फील्ड का साइन है, हीलिंग का साइन है, स्पिरिचुअलिटी का साइन है, जहाँ हीलर्स के लिए ये बेसिकली यूज़ होता है। ओके, नेगेटिविटी को पार करके पॉजिटिविटी। सो माइंड में अगर कोई नेगेटिविटीज है उसको दूर कीजिए। अगर मन में कोई विशेस हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं, किसी चीज़ को पूरा करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, तो पावर आपके हाथ में है। अगर आप विश्वास करेंगे तो वो हाँ में बदलेगा, नहीं करेंगे तो ना में बदलेगा। तो यही आपको एंजल्स बता रहे हैं कि नो मैटर कितना भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो, कितना भी आपको दिक्कत हो, आपके मन में बार बार घबराहट हो, नेगेटिविटी हो, लेकिन अगर आप विश्वास रखते हैं तो वो चीज़ डेफिनेटली पूरी होगी। और आंसर इज़ येस। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, पायल टू। हेलो पायल श्री, अगर आपने येलो क्वार्ट्स को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, सो माइंड में अपने क्वेश्चन को रखिएगा, फिर हम देखते हैं आंसर। तो हमारे पास है द वी, तो द आंसर जो है इसका मे बी। ओके, ये ना भी हो सकता है, येस भी हो सकता है। ये आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है वो आपके कर्मों पे डिपेंड करेगा। ओके, आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा। ओके, और आप जैसा डिसीजन अभी आने वाले टाइम में लोगे, या फिर अभी प्रेजेंटली आप जो एक्शंस अपने लाइफ में ले रहे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं, वही आपने जो क्वेश्चन पूछा है वही डिसाइड करेगा कि उसका अल्टीमेट आंसर क्या निकल के आएगा। सो ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये कर्मा पे डिपेंड करेगा, जो आपके पास्ट लाइफ कर्मा है वो, जो प्रेजेंट लाइफ में आप कर रहे हैं वो भी, और जो प्रेजेंट और फ्यूचर में जो डिसीजंस आप लोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिलेगा। तो ये इंसान, ये जो आंसर है कुछ लोगों के लिए हाँ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ना भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सा फोकस कीजिए कि आपका डिसीजन, आप क्या डिसीजन ले रहे हैं अपने लाइफ में, क्या आप कर रहे हैं, क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं, कैसे आपके कर्म रहे हैं लाइफ के ऑल ओवर, थोड़ा सा आप एनालाइज अगर करेंगे तो अपने आप समझ जाओगे कि जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर हाँ में है या ना में है। ओके, सो ये मे बी है, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके डिसीजंस पे डिपेंड करेगा। सो कुछ लोगों के लिए ये आंसर ना भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हाँ भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए इंटरमीडिएट स्टेज में जहाँ पर बीचों बीच अटका हुआ सिचुएशन। ओके, सो देख लेते हैं गाइडेंस क्या मिल रहा है आपको, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आपके क्वेश्चन से रिलेट आपको मैसेज यही मिल रहा है एंजल्स की तरफ से कि थोड़ा सा जो है आप बिगर पिक्चर की तरफ देखिए, थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक होइए अपने ज़िंदगी को लेकर, और आपकी जो सिचुएशन है करंट की किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो ठीक होगी अगर आप थोड़ा सा अपना मेंटालिटी बदलेंगे, अगर आप थोड़ा सा अपने अंदर बैलेंस लाएंगे और दोनों तरफ से अपनी लाइफ को देखेंगे, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स जो हम बोलते हैं उस तरीके से अगर आप अपनी ज़िंदगी को देखेंगे तो सिचुएशन आपकी बेहतर होगी। तो जो भी आंसर आपका आएगा आपको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, उतना ज़्यादा सोचना नहीं है, अपने ही लाइफ में थोड़ा सा फोकस कीजिए कि करंटली आप अपने लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जितना आप बेहतर बनाने के बारे में सोचेंगे उतना ही आपका लाइफ बेहतर होता हुआ जाएगा, आपका सिचुएशन भी बेहतर होता हुआ जाएगा। सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, पायल थ्री। हेलो पायल नंबर फोर, अगर आपने एमेथिस्ट को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर यस है या नो है। ओके, लेट्स सी, हमारे पास है टेन ऑफ स्टोन्स, द आंसर इज यस, डेफिनेटली इट्स अ यस। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज आया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड होगी चीज़ें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी चीज़ है आपका, आपका कोई सेटअप है, कोई बिजनेस है, वर्क है, कुछ भी है, लव लाइफ, मैरिज, कुछ भी है, तो वो धीरे धीरे प्रोसीड होगा। और इन जनरल अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो उसका आंसर येस में आ रहा है, बहुत पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग येस, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है जो आंसर की। ओके, सो यहाँ पर मुझे क्लियरली ही मैसेज आ रहा है येस आ रहा है, ना नो आ रहा है ना मे बी आ रहा है, बहुत क्लियर मैसेज है येस मैसेज। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं गाइडेंस क्या मिल रहा है आपको, आपने जो भी क्वेश्चन किया है उससे रिलेटेड एंजल्स की तरफ से। नॉट द राइट टाइम, तो अगर आपने कुछ टाइमिंग से रिलेटेड पूछा है या कुछ आप लाइक टाइम से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं तो आपको बताया जा रहा है कि अभी सही वक्त नहीं है, जब सही वक्त होगा तो उसका आंसर आपको यस में ही नज़र आएगा। लेकिन अगर आप इमीडिएटली कुछ रिस्पॉन्स चाह रहे हैं या कुछ चाह रहे हैं उससे रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन पूछा है
तो उसमें आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा सा वेट कीजिए, वेट करोगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, तो इमीडिएटली आपको उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी वो वक्त सही भी नहीं है आपके लिए कि जो चीज़ आपने पूछी है वो चीज़ आपको मिल जाए या फिर वो चीज़ आपको नज़र आ जाए, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय फॉर।